अगर आपके चेहरे पे पिंपल हो रहे हैं तो उनको कैसे सही किया जाता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर किसी के फेस पर पिंपल्स होते जा रहे हैं। तो मैं आपको होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, इससे आपके पिंपल 1 या 2 दिन में ही सही हो जाएंगे, बिल्कुल जड़ से सही हो जाएंगे। तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये पिंपल्स होना एक आम समस्या हो गई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर वो यंग है, मेच्योर हो गए हैं, तो उनके फेस पर पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लग जाएंगे और फिर ये इतने ज़्यादा फैल जाएंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। गंदे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, इंप्रेशन आपका ख़राब होता है और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं पेन होते हैं। बहुत से पिंपल्स तो इतने बड़े होते हैं, उनमें इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्यों होते हैं? ये आपका जो भी कुछ रूटीन रहता है, लाइफ स्टाइल रहती है, या फिर आपकी जवानी आती है आपके अंदर, उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ये पिंपल्स होते रहते हैं। फिर बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यानी पिंपल्स को कैसे मिटा जाता है, कैसे सही किया जाता है। सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल लेके आनी, जो कि आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है, 50 रुपये का मिलता है। आपको ये जेल लेके आना। अगर आपके पास देसी एलोवेरा है, यानी पेड़ है, कुंवर का पाड़ा जिसको हम बोलते हैं एलोवेरा, अगर वो है तो आप उसमें से जेल निकाल ले, बराबर बात रहेगी। बट जो मतलब देसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आपको एक नींबू लेना है, एक प्लेट में एलोवेरा निकालना है कम से कम आधा चम्मच, और आपको आधा चम्मच नींबू का रस निकालना है। इन दोनों को आपको एक प्लेट में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जहाँ पर भी आपके पिंपल्स हो रहे हो तो पहले बात तो वहाँ पे लगा ले, और अगर आपके पूरे फेस पर पिंपल्स हो रहा है तो आप पूरे फेस पे अच्छे से लगा ले, अच्छे से लगा के उसको लगा के सो जाए, ये आपको करना है। और अगर आपको सोना नहीं है तो आप 1-2 मिनट तक अच्छे से मसाज करके, ताकि जो आपके पिंपल्स हैं वो निकल जाए और आपकी स्किन ऑक्सीजन ले, यानी आपके स्किन में जो डस्ट प्रदूषण वगैरह जो भी कुछ लगी होती है आपके स्किन को, उसमें वो सब कुछ निकल जाए। इसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आप इसमें हल्दी मिला सको, देखो वैसे हल्दी नॉर्मल लोग नहीं मिलाते, बट अगर आप हल्दी मिला सको तो आपको इसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाना है, ताकि आपका फेस गोरा भी रहेगा। और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं आपकी स्किन के लिए, और पिंपल्स को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। मेरे एक पिंपल हुआ था, कल हुआ था, मैंने रात को ये दोनों को लगाया, आज ये पिंपल बिल्कुल सही हो गया। बहुत से दर्द भी कर रहा था, जब बहुत से पिंपल्स ऐसे होते हैं कि दर्द करते हैं। तो अगर आप भी होम ट्रीटमेंट पर बिलीव करते हो और आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ये ट्रीटमेंट करके जरूर देखें। बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, कोई भी आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट को तो आपको नाम ही देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ये ट्रीटमेंट आप कभी भी कर सकते हो, दिन में रात में, लेकिन पहले आप अच्छे से फेस वॉश करें आपका, ताकि जो आपके फेस पर डस्ट गंदी है वो निकल जाए। फिर कहीं ना कहीं आपको ये लगाना है, और 1-2 मिनट तक मसाज करके आप चाहो तो फेस वॉश कर सकते हो, चाहे आप तो पूरी रात लगा के इसको सो सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपके फेस के पिंपल्स आप रिमूव करने के लिए ये ट्रीटमेंट जरूर यूज़ करोगे। तो आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।